नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम। आग बुझाने का जो तरीका है, यानी आग बुझाने का जो उपकरण है, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी देंगे। पूरी दुनिया में या जहां भी आग के तीन तरीका से आग बुझाया जाता है, या तीन तीन टाइप के इक्विपमेंट से आग बुझाए जाते हैं। चलिए चलते हैं, उसके बारे में आपको हम बेसिक जानकारी देते हैं। तो यह लिखा है फायर फाइटिंग सिस्टम, आग बुझाने का जो तरीका है या आग बुझाने की जो उपकरण है, उसको हम तीन कैटेगरी में भाग किया गया है। सबसे पहला नंबर आता है पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल फायर फाइटिंग, पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको और एक नाम से बोला जाता है, फास्ट एड फायर फाइटिंग सिस्टम, फास्ट एड फायर फाइटिंग, फास्ट एड फायर फाइटिंग सिस्टम। तो हम जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, आग बुझाने का जो तरीका है या आग बुझाने की जो उपकरण है, उसका पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम, यानी फास्ट एड फायर फाइटिंग सिस्टम। ये दो नामों से इसको बुलाया जाता है। तो इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो आग कहीं पे भी लगे, चाहे वो मॉल में हो, कहीं इंडस्ट्री में हो, किसी के घर में हो, कहीं पे भी हो, तो आग का जो पहला स्टेज होता है, आग की जो पहले जहां पे भी आग लगते हैं, वो सबसे पहले बिल्कुल एक सिंगारी रूप से वो पैदा होते हैं। थोड़ा जैसे जैसे वो उसको मतलब मटेरियल, इनफॉर्मेबल मटेरियल और इनफॉर्मेबल जो मतलब आसपास की जो चीज मिल जाता है, इसी वहां पे वो धीरे 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 वो आग बढ़ जाते हैं। तो उसी जो प्राथमिक स्तर में आग बुझाने की जो उपकरण है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। तो आप लोगों ने कहीं पे भी बिल्डिंग में, मॉल में या कहीं इंडस्ट्री में आप लोगों ने गया होगा, वहां पे आप लोग को एक फायर सिलेंडर दिखा होगा। तो वो जो फायर सिलेंडर है, हमें पोर्टेबल फायर सिलेंडर, पोर्टेबल मतलब होता है हम कहीं पे भी किसी भी चीज को आसानी से उठा के ले जा सके, या जो कहीं पे भी हम आसानी से जाके उसमें आग बुझा सके, उसको बोलता है फायर का पोर्टेबल इक्विपमेंट। तो पोर्टेबल इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा? जो पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम मतलब आग बुझाने का जो पहला स्टेज में हम जो कहीं पे भी आग लगा हुआ देखेंगे, तो उसको जो पहला स्टेज में जो आग बुझाने का जो उपकरण है, उसको पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? उसके अंतर्गत आते हैं ऑल टाइप एक्सटिंगुशर, ऑल टाइप एक्सटिंगुशर, ऑल टाइप एक्सटिंगुशर। इसमें आपको क्या क्या हो सकता है एक्सटिंगुशर में? वाटर टाइप एक्सटिंगुशर हो सकता है, वाटर फॉग टाइप एक्सटिंगुशर हो सकता है, ठीक है, CO2 टाइप एक्सटिंगुशर हो सकता है, DCP टाइप एक्सटिंगुशर हो सकता है, ठीक है, ABC टाइप एक्सटिंगुशर हो सकता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं K टाइप एक्सटिंगुशर किचन में जो यूज होता है उसको क्या टाइप बोलता है? K टाइप एक्सटिंगुशर, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो पोर्टेबल, वो आता है हमारे फायर कैनवास ब्लैंकेट, ठीक है। और आता है सैंड बकेट। जो हमारे जो पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम में जो पहला स्टेज में जो आग लगते हैं, उसमें जो हम जो इक्विपमेंट यूज होता है आग बुझाने के, जो इक्विपमेंट यूज होता है हमारे, ऑल टाइप एक्सटिंगुशर, हमारे जितना भी एक्सटिंगुशर है वो पोर्टेबल होते हैं। हम आसानी से उठा को उसको, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बिल्कुल सिंपल है, एक सेफ्टी पिन रहता है, उसको खींच के आप उसमें प्रेस करके बढ़िया सा स्प्रे कर सकते हो। इस वाट आपको हम एक्सटिंगुशर के बारे में बिल्कुल अलग से एक वीडियो बना के बिल्कुल डिटेल आपको बताएंगे। अभी आपको हम फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी दी है, ऑल टाइप एक्सटिंगुशर, ठीक है,
उसमें क्या आएगा, फायर कैनवास ब्लैंकेट भी आएगा और सैंड बकेट। आप लोगों ने कहीं पे भी सैंड बकेट का देखा होगा, तो वो भी हमारे पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर आता है। और दूसरे नंबर क्या है, दूसरे नंबर हम बताएंगे आपको, दूसरे नंबर पे आता है फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, फिक्स फायर फाइटिंग, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कहीं पे भी आप लोगों ने कहीं पे भी फैक्ट्री में काम किया होगा, या किसी बिल्डिंग में, किसी में मॉल में, किसी भी रेस्टोरेंट बिल्डिंग में, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे फायर हाइडेंस सिस्टम रहता है, स्प्रिकलर सिस्टम रहता है, फायर अलार्म सिस्टम रहता है। वो हमारे जितना सिस्टम है उसको हम फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, यानी आग बुझाने का जो उपकरण है वो एक जगह फिक्स किया जाता है। वो किसी लिए किया जाता है, जैसे आपके मॉल, अभी आप जिस मॉल में ड्यूटी कर रहे हो या जिस जगह ड्यूटी कर रहे हो, वहां पे अभी अचानक आग लग गया है, बहुत बड़ा आग लग गया, और आपके जो फायर स्टेशन है वो 10 किलोमीटर दूरी है। जब तक वो फायर फायर स्टेशन में आप फोन करेगा, वहां से वहां रिसीव करेगा, फिर वहां से टीम भेजेगा, तब तक आपकी मतलब बिल्डिंग का, सोसाइटी का या इंडस्ट्रियल का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए फायर फाइटिंग एक मतलब फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है उसको हम, ठीक है। और उसी के जरिए मतलब जब तक फायर फाइटिंग टीम आता है तब तक आधा मतलब आग कंट्रोल किया होता है। और फायर को रो रिस्क का है उसको कम करने के लिए फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिकलर सिस्टम, हाइडन सिस्टम लगाया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपको बताते हैं। इसको आता है फायर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम और फायर स्प्रिकलर सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, फायर हाइडेंस सिस्टम, फायर हाइडेंस सिस्टम, ठीक है, और क्या आएगा, डीवी सिस्टम। डीवी सिस्टम, डीवी इसका मतलब होता है डिल्यूज, वाल वाल सिस्टम सिस्टम, ठीक है, CO2 फ्लडिंग सिस्टम, CO2 रोड सिस्टम, CO2 फ्लडिंग सिस्टम और CQRS सिस्टम एक्सेट्रा। और भी जो फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम होता है वो किसी भी इंडस्ट्रियल में, किसी भी मॉल में, किसी भी बिल्डिंग में, कहीं पे किसी रेसिडेंटल बिल्डिंग में, ये सब फायर 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 का जो मतलब रिस्क को वो कम करने के लिए फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया जाता है। तो उसमें क्या आता है, फायर अलार्म सिस्टम आता है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम आता है, फायर हिडन सिस्टम आता है, डीवी सिस्टम आता है, CO2 फ्लडिंग सिस्टम आता है, CQRS सिस्टम आता है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कुछ आता है। तो इसके अगले वीडियो में आपको हम बहुत आसानी तरह से बुझाएंगे। अभी आपका जो महला है, जो आग बुझाने का जो तरीका है, वो जो तरीका है वो मतलब तीन तरीका होता है। सबसे पहले हम बताया पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, और तीसरा हो गया मोबाइल टाइप, तीसरा हो गया मोबाइल 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 फायर फाइटिंग सिस्टम, मोबाइल फायर फाइटिंग सिस्टम सिस्टम। तो मोबाइल फायर फाइटिंग सिस्टम मतलब कोई भी चीज जैसे आसानी से उस जगह से वहां ले जा सकूं, हमारे जहां भी मर्जी हो वहां ले जा सकूं। अभी आप लोगों ने कहीं पे भी फायर, कभी बड़ा फायर होते हुए देखा होगा, तो वहां पे
फायर ब्रिगेड वाला आता है और वहां पे एक गाड़ी आता है, उसको बोलते हैं फायर टेंडर। तो फायर टेंडर हम जो मोबाइल फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर जो क्या बोलते हैं फायर में, क्या बोलते हैं फायर टेंडर, फायर टेंडर ठीक है, टेलर पंप ठीक है, टेलर पंप, पोर्टेबल पंप ठीक है, ट्रॉली व्हील एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर एक्सेट्रा। जैसे आपको कहीं पे भी बिल्डिंग में, रेस्टोरेंट में, जहां पे भी आप आग आग लगते हुए देखा होगा, तो बड़ा वहां पे क्या होता है, बहुत सारे फायर सर्विस का लोग आता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक सर गाड़ी ले आता है, बहुत सारे टेलर पंप ले आता है और फायर का जो रेस्क्यू है सारे इक्विपमेंट है ले आता है। तो उस गाड़ी के द्वारा क्या किया जाता है, फायर को कंट्रोल किया जाता है, यानी फायर फाइटिंग किया जाता है। वो जो फायर फाइटिंग करते हैं वो मोबाइल फायर फाइटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो दुनिया में कहीं पे भी आग लगती है तो उसको जो बुझाने का जो उपकरण है उसके अनुसार तीन टाइप की होता है, वो होता है पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम और फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और मोबाइल फायर फाइटिंग सिस्टम। ये जो हमने इक्विपमेंट लिखा है ये इसके अंतर्गत आता है और इसी के जरिए हमारे बहुत सारे फायर फाइटिंग के रिलेटेड बहुत सारे मतलब सिस्टम है, उसको हम अगले वीडियो में धीरे धीरे करके आप तक पहुंचाएंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।